और कुछ ही दिन पहले दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी और इनडायरेक्ट वे में यूके 07 राइडर जट प्रभजोत को पोक करते हुए कहे कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जी वैगन लेनी है, मुझे डिफेंडर लेनी है, लेकिन ले नहीं पाते। तो चीजें इस चैनल पे कमेंट करिए ना, सारी चीजें ए टू जेड डे वन से। ऐसा नहीं बोला हम लोग जी वैगन खरीद रहे हैं, हम लोग डिफेंडर खरीद रहे हैं, उरुस खरीद रहे हैं और फिर लाई नहीं गई। तो यहाँ पर जट प्रभजोत ने भी यूके 07 को रिप्लाई करते हुए कहा कि जितने की मेरी एक डिफेंडर है उतने में तेरी जैसी जीटी मस्टैंग 3 आ जाएंगी। चार गाड़ियों में ना मैं कंफ्यूज था, या तो फॉर्च्यूनर या जी वैगन या मस्टैंग। फिर मैंने सोचा नहीं यार, पुरानी गाड़ी लेते, एक ही बार लेते नई गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ियां इजीली मिल जाती है। मस्टैंग तो ऐसा है कि मार्केट में धक्के खा रही है, आप बोलो मस्टैंग चाहिए, चार मस्टैंग घर के बाहर खड़ी होगी। उतने की 3 मस्टैंग आ जाएगी ना मार्केट से, उतने की एक डिफेंडर आती है ब्रांड न्यू। जो सो गाइस, आप लोग यूके 07 राइडर और जट प्रभजोत के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपने ओपिनियन हमें कमेंट कर जरूर बताना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अब बात करने वाले हम लोग एलविश यादव के बारे में। तो दोस्तों, कल के लक्ष्य अर्जित ब्लॉग में एक बंदे ने दारू पी हुई थी और वो लक्ष्य और एलविश यादव को काफी सारी गालियां दिए जा रहा था। तो दोस्तों, अर्जित ने गुस्से में आकर उस शराबी की पिटाई भी कर दी थी, उसके ऊपर एलविश का क्या रिएक्शन आप खुद सुन लो। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हो, अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।